हेलो दोस्तों, आज अपन बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों की कम उम्र में ही आज बाल झड़ रहे हैं, और बहुत सारे बच्चों के आज कमेंट्स भी आते हैं, सर हमारी कम उम्र में ही बाल आज झड़ रहे हैं, इसका कारण क्या है और किस तरह से हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं, किस तरह से हम इस चीज़ से बच सकते हैं। तो सीधा सा सिंपल सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूंगा कि आज क्या है, बहुत ही ज़्यादा ऐसी न्यूट्रिशन की लगातार कमी होती जा रही है इस बॉडी के अंदर, जो शायद कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। लेकिन ऐसे कौन से कारण हैं, तो आज मैं आपको मेज़र फाइव, ठीक है, कारण बताऊंगा। ऐसे कौन से पांच कारण हैं जो कहीं ना कहीं आपके लाइफस्टाइल को बदल रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके बालों को झड़ा रहे हैं। सबसे पहला कारण है कि आज इंसान बहुत ही ज़्यादा टेंशनों में घिरा हुआ है। जो इंसान ज़्यादा टेंशन लेता है, जिस इंसान के ज़्यादा टेंशन होती है, इसका मतलब सीधा से ये है कि उसके बाल ज़्यादा झड़ेंगे। इसी कारण से आज देखा गया है कि ज़्यादा बाल झड़ने का मैक्सिमम जो कारण देखा गया है वह टेंशन है। क्योंकि टेंशन से क्या है, बहुत ही ज़्यादा हमारे न्यूरॉन्स का डैमेज होते हैं, और न्यूरॉन्स के साथ साथ स्किन जो है वह कहीं ना कहीं जो उसके अंदर की जो सेल्स है वो भी क्या होती है, डैमेज होती है। और स्किन डैमेज होने की वजह से कहीं ना कहीं जो बाल है वह झड़ना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा जो मोटा कारण है वह है हमारी लाइफ स्टाइल। कहीं ना कहीं क्या है, हम हमारी लाइफ स्टाइल को पूरी तरह से बदल चुके हैं। आज हम क्या करते हैं कि हम जो मिल रहा है उसी को खा रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि हम मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कौन से न्यूट्रिशन की मुझे ज़रूरत है, कौन से न्यूट्रिशन की मुझे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उन चीज़ों के ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब उन चीज़ों के ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम बाद में हमें ही फेस करनी पड़ेगी। आज छोटे बच्चे हैं जो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन आज नहीं मिल पा रहा है। आज माँ बाप भी उनको बर्गर पिज्ज़ा खिलाकर ही टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन जब उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो फिर कम उम्र में ही उनके बाल सफ़ेद भी होने लगेंगे और झड़ने भी लगेंगे। इस कारण से कहीं ना कहीं बच्चों को न्यूट्रिशन प्रॉपर दिया जाना चाहिए, और साथ में एक हेल्दी डाइट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हर किसी बच्चे के लिए। तीसरा टॉपिक आता है कि लाइफ स्टाइल के साथ साथ हमारा जो आज फिजिकल वर्क है वो बिल्कुल ही हमने क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। आज लोग फिजिकल वर्क करना ज़्यादा पसंद नहीं करते, मेंटली वर्क ज़्यादा कर रहे हैं। जिस दिन फिजिकल वर्क आप कम कर दिया आपने और मेंटली वर्क ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिया, इस माइंड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बर्डन पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा। और जब बहुत ज़्यादा इस माइंड के ऊपर लोड पड़ेगा तो कहीं ना कहीं आपके बाल झड़ेंगे। और अगला जो इम्पोर्टेंट कारण आता है वो आता है विटामिन्स की कमी। यानी आपकी बालों को अच्छी ग्रोथ के लिए, उन बालों को अच्छी रोकथाम के लिए कहीं ना कहीं विटामिन्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट बॉडी के अंदर होती है। और सबसे ज़्यादा ये देखा गया है कि विटामिन डी की कमी से ही बहुत ज़्यादा आज बच्चों में बाल झड़ रहे हैं। मतलब जो विशेषज्ञ है वो ये मानते हैं कि विटामिन डी की कमी के कारण आज बच्चों में बहुत ज़्यादा बालों का झड़ना देखा जा रहा है। और कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि विटामिन डी के साथ साथ विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए, बहुत सारे जो बी फैमिली है, ये सारे के सारे विटामिन्स की कमी के कारण आज बाल झड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा लाइफ स्टाइल, कहीं ना कहीं हमारा तनाव, कहीं ना कहीं हमारे जो लगातार जो एक्टिविटीज़ है, उन एक्टिविटीज़ की वजह से आज हमारे बाल धीरे धीरे झड़ते जा रहे हैं। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन स्ट्रेस आज सभी को है और सभी के बाल आज झड़ते जा रहे हैं। और इन बालों का झड़ना कम तभी हो सकता है जब कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने पर फोकस करके और थोड़ा सा अपने आप को मजबूत बनाकर अपना जो शेड्यूल जो बिगड़ा हुआ है उसे अपने को सुधारना पड़ेगा। और ये भी देखा गया है, बहुत सारे एक्सपर्ट इस बात को मानते हैं कि ज़्यादा
को अगर कोई बीमार रहता है, उसके अगर टैबलेट्स अगर लगातार चल रही है, तो टैबलेट्स की वजह से भी कभी कभार बाल झड़े जाते हैं। यानी किसी के अगर ज़्यादा बीमारियों में ग्रसित है, किसी के अगर बार बार में अगर रोज़ाना डेली वह टैबलेट्स सेवन करता है, तो कहीं ना कहीं उसके साइड इफ़ेक्ट के रूप में बाल झड़ जाते हैं। और लास्ट जो कारण आता है वो आता है बाल जल्दी झड़ने का, वो ये आता है कि जेनेटिक इफ़ेक्ट। अगर कहीं ना कहीं अगर उसकी फैमिली में किसी के बाल झड़ रहे होंगे, पहले झड़े होंगे, तो फिर उसके भी डेफिनेटली झड़ने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कहीं ना कहीं जेनेटिक इफ़ेक्ट भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना है कि इन बालों को झड़ने से रोकना है। अब सारे कारण तो हमने जान लिए कि बाल झड़ क्यों रहे हैं, या तो न्यूट्रिशन की कमी है मेरे अंदर, या फिर मेरे अंदर कहीं ना कहीं क्या है, प्रोटीन पार्ट थोड़ा सा कम है, या फिर कहीं ना कहीं मैं क्या है बहुत ज़्यादा टेंशन लेता हूँ, या फिर कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बार बार में क्या कर रही है, परेशान कर रही है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं बाल झड़ने के जो एक्सपर्ट मानते हैं। साथ में कहीं ना कहीं मुझे क्या करना है कि कैसे इन बालों को झड़ने को रोक सकता हूँ। तो विशेष ये ध्यान रखें कि जब आप बाहर निकलें तो ज़्यादा रोज़ाना डेली इन बालों में केमिकल्स का यूज़ ना करें। जितना ज़्यादा आप बालों में केमिकल को यूज़ करोगे, उतने ज़्यादा आपके बाल ड्राई होंगे और उतने ज़्यादा झड़ेंगे। और विशेष यह ध्यान रखें कि ज़्यादा लंबे समय तक अपने बालों को सूखा ना रखें, ड्राई ना रखें। और आजकल का क्या है, ट्रेंड हो चुका है, पेशन हो चुकी है कि लोग बालों को ऊपर खड़ा रखते हैं। तो लगातार आप जब ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके बाल झड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हवा का दबाव, बहुत सारी धूल मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी स्किन को डैमेज करते हैं, और जब स्किन को डैमेज करते हैं तो कहीं ना कहीं बालों का झड़ना प्रारंभ हो जाता है। और सबसे बड़ा जो कारण है आज ये है, वह है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन रेट बढ़ने की वजह से आज बालों का झड़ना बहुत ही ज़्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि आज एनवायरनमेंट में बिल्कुल ही केमिकल की मात्रा बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। इस कारण से स्किन प्रॉब्लम भी हो रही है और साथ में बालों का झड़ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ भी रहा है। तो साथ में मुझे क्या करना है कि मुझे कम से कम केमिकल का यूज़ करना है। अगर बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, तब आप शैम्पू या केमिकल का यूज़ करें। दूसरी बात ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप थोड़ा सा आंवले का प्रयोग करें। आपके घर में कच्चा आंवला आता है, उस कच्चे आंवले को या तो आप सुखो लें या फिर उसको पीस लें। अगर कच्चा आंवला है तो फिर उसको क्या करें, आप काट लें, उसको उबाल लें पानी के अंदर और उसको अच्छे से पका लें, और पकाने के बाद में जो उसका पानी है उसको सिर में लगा कर सुखो लें, और फिर उसको फिर से आराम से आप धो लें, और जो पका हुआ आंवला है उसको आप खा लें। तो कहीं ना कहीं जो विटामिन सी की जो आपके अंदर कमी है उसको पूर्ति जब होगी तो कहीं ना कहीं आपका बालों का झड़ना कम हो जाएगा। और कोशिश ये करें कि जितना ज़्यादा आप डस्ट फ्री रहेंगे, यानी अपने बालों में अगर डस्ट ज़्यादा जमा होगा तो बाल जल्दी झड़ेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं अपने बालों को थोड़ा साफ रखें, और कहीं ना कहीं ऐसे स्थानों से जाने से बचें जहाँ पर थोड़ा सा पॉल्यूशन ज़्यादा ख़राब हो। तो विशेष इन चीज़ों का आप ध्यान रखें तो आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। और कोशिश ये करें कि मुझे क्या करना है, मेरे बालों की सुरक्षा स्वयं करनी है।